स्वागत है आपका हमारे गवर्नमेंट डॉट एग्ज़ाम पर। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक हिंदी भाषा एवं वर्णमाला लाए हैं। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से विदेशी भाषा अरबी, फारसी आदि का योगदान है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ है अक्षर भी है, जिसका अर्थ अनास्वान है। अर्थ है वर्ण अघन मूल ध्वनि का नाम है, जिसके अखंड नहीं हो सकते। वर्णमाला किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। पहला है स्वर, ये वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है, जैसे अ अ अ ई उ रे ओ ओ, अनुस्वार आ, विसर्ग आ, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर या आगे के स्वर कहा जाता है, जैसे ई ए ए आ ई। पश्चस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय होता है उन्हें पश्चस्वर या पीछे के स्वर कहा जाता है, जैसे अ आ ओ ओ। सवृत स्वर, सवृत शब्द का अर्थ होता है कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें सवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई उ। दूसरा, ओष्ठकृति के आधार पर स्वरों के भेद। वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ ओ हो। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल ना होकर अन्य आकार में खुले उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तीसरा, उच्चार समय के आधार पर स्वर भेद। हस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात समय से कम समय लगता है उन्हें हस्वर कहते हैं। उदाहरण अ ई उ हस्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण अ ई उ ए ओ दीर्घ स्वर हैं। प्लुत्स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत्स्वर कहते हैं, जैसे ओम में ओ को दीर्घ स्वर से अधिक खींचते पर ओम लिखा जाता है। आजकल व्यावहारिक रूप से ये प्रचलन में नहीं है। स्वर भेद का महत्व। हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्वरों के भेद का सही ज्ञान न होने पर उच्चारण में ही नहीं अपितु अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे हस्वर कुल, दीर्घ स्वर कूल, हस्वर और, दीर्घ स्वर और, हस्वर खोल, दीर्घ स्वर खोल। दूसरा, व्यंजन भेद अर्थ है महत्व। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय श्वास मुख मुख के किसी स्थान का विशेष तालु, मुद्रा, ओष्ठ या दांत आदि का स्पर्श करते हुए निकले उन्हें व्यंजन कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों की उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला, उच्चारण स्थान। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी श्वास वायु किसी न किसी मुख अवयव से अवश्य टकराती है, उसी मुख अवयव को उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। कंत गले से, का गाढ़ा, तालु से, चा चा जा, मूर्धा मूर्धा भाग से, ता ठा ढा ढा सा, दत् दांतों से, सा धा 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 ना। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, नाक से रा ना मा, दंत से राला, दंत प्लस ओष्ठ से वा, ओष्ठ से उ पावर्ग, ओष्ठ प्लस कंठ से ओ ओ, मूर्धा से रा टावर्ग, तालु से ई ई,
कंठ प्लस तारु से ए ए, कंठ से आ का, वर्णों के चार भाग, ओष्ठ ओटो से पा पा भा मा, दंत से ओष्ठ व यार अलावा, प्रतन ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रतन कहा जाता है। इन्हें तीन प्रकार का माना गया है, श्वास वायु की मात्रा, स्वर तंत्री में कंपन, मुख अवयवों के द्वारा सांस को रोकना। श्वास वायु की मात्रा, इस मात्रा के आधार पर भी दो वर्गीकरण किए गए हैं, पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे काका गाड़ा। दूसरा महाप्राण जिन ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे घा छा झा टा। स्वतंत्री के कंपन पर आधारित वर्गीकरण, गले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से काँप कर जब बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं। सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे गा गा अड़ जा जा टा डा डा मा पा भा मा ता धा ना बा भा मा। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है हुए अघोष हैं, जैसे का गा छा छा जा टा ठा। तीसरा अवयवों के अवरोध द्वारा ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख आदि अवयव अनेक प्रयत्न करते हैं, इसी आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला स्पर्श जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अवयव का आपस में स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे का खा गा गा आड़ा। ठीक उसी तरह स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे चा चा जा जा। संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख्य अवयवों से संघर्ष करते हुए बाहर निकलती उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जैसे सा सा हा फा जा। संघर्षी व्यंजन इन्हें उष्म ध्वनियां भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ रखा गया है, या अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि उन्हें इनके उच्चारण में वायु का अवरोध कम होता है। उत्तृच्छ जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का लगभग मूर्धा को स्पर्श करते करके झटके से वापस आता है उन्हें उत्तृच्छ व्यंजन कहते हैं, जैसे टा ठा डा डा रा उत्तृच्छ व्यंजन है। अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं, किन अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान है, तो ये है 343 से 351 तक। बस 1955 ईस्वी के गठित प्रथम भाषा के आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे बीजी खेर। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो ये हैं का गा। हिंदी वर्णमाला में आयोग वा वर्ण कौन से हैं, तो ये हैं आ आ। का गा जा भा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये हैं अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये है 52। अघोष वर्ण कौन सी है, तो इनमें से सा। या राला भाव व्यंजनों को कहते हैं, तो ये कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। प्रतन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये है पार्श्विक। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, तो ये है दूसरा और चौथा। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो ये बना है का और सा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो ये है था। हिंदी की सा ध्वनि है, तो इसमें से ताल। सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन।